समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव जी जो कि एटा में समाजवादी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने आए हैं नगर निकाय चुनाव का। आइए उनसे बात करते हैं, क्या कुछ संदेश देकर जा रहे हैं एटा की जनता को। जैसा उन्होंने कहा कि प्रत्येक चुनाव का उद्घाटन कार्यालय का नेताजी यहीं एटा से करते थे, तो आज उन्होंने एटा नेताजी की जो रस्म है उसकी अदायगी की है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर एटा समाजवादी पार्टी के लिहाज से और नेताजी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जिला है। और मुझे याद है कई चुनावों की चुनाव अभियान की शुरुआत की अरे नेताजी ने ही एटा से की ग्रैंड, और कहीं ना कहीं एटा के लोगों के ऊपर एटा की जनता पर उनका भरोसा था, उनको यकीन रहा एटा का। मुझे उम्मीद है कि नेताजी के इस भरोसे को एटा के लोग अनवरत रूप से जारी रखेंगे और समाजवादी उम्मीदवार को जिताएंगे। आज भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी कंफ्यूज हो गई है हार को देखते हुए और इसीलिए वो अपने उम्मीदवार पीछे हो जा रही है, कहीं पर वो दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन दे रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी की चिंता छोड़े और वो अध्यक्ष की हैसियत से अपनी सरकार से बात करें और याद करें 2022 का घोषणा पत्र क्या था, 19 में उनकी केंद्र की पार्टी ने क्या किया था, 17 और 14 में क्या क्या बातें कही थी, वो जो जनता के बीच बातें कही हैं उन बातों को अपनी सरकार से लागू करें, योजनाओं को या उन वादों को समाजवादी पार्टी की चिंता छोड़े। समाजवादी पार्टी को कब क्या फैसला लेना है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेने में सक्षम। सांसद जी, नरेंद्र सिंह यादव जी तो आपके 7 बार विधायक रहे, केंद्रीय सचिव के बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, ज़्यादातर लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं, क्या कुछ इस तरह का प्रभाव है या किस तरह का नहीं होगा? मैं समझता हूँ बहुजन समाज पार्टी जब से बनी है शायद 1 या 2 प्रदेश अध्यक्ष छोड़कर सारे अध्यक्षगण समाजवादी पार्टी के आज सम्मानित और वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे वो आदरणीय रामचंद्र राजभर जी हों, चाहे लालजी वर्मा जी हों, चाहे आर एस कुशवाहा जी हों, चाहे आपके दयाराम पाल जी हों, चाहे इंजीत सरोज जी हों, समाजवादी पार्टी के सब सीनियर जिम्मेदार लीडर हैं आज, और बहुजन समाज पार्टी लगभग समाजवादी पार्टी में समाहित हो चुकी है। और बहुजन समाज पार्टी के आज वोटर को जो सपने दिखाए थे माननीय काशीराम जी ने, उन सपनों को पूरा करते हुए अगर कोई दिख रहा है उस व्यक्ति का नाम है माननीय अखिलेश यादव। और आज जो इस तरह से समाजवादी पार्टी के बारे में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के आज वोटर को जो सपने दिखाए थे माननीय काशीराम जी ने, उन सपनों को पूरा करते हुए अगर कोई दिख रहा है उस व्यक्ति का नाम है माननीय अखिलेश यादव। और आज जो इस तरह से समाजवादी पार्टी के बारे में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल का एक पहिया अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा है तो दूसरा पहिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा है, जहाँ नेताजी की धारा को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, वहीं माननीय काशीराम जी के सपनों को भी अगर कोई पूरा कर रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। इसमें कोई एक दो व्यक्ति जाते हैं, इन बातों को कोई असर समाजवादी पार्टी पर पड़ने वाला नहीं, और वो समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं थे जिनकी आप बात। सर, मायावती ने 17 नगर निगम में से 11 नगर निगम में मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी का जो कोर मुस्लिम वोट है उसको खींचने की एक रणनीति क्या है? देखिए, मायावती जी के बारे में इतना ही कह सकते हैं कि उनका जो कंडेचर है उम्मीदवारों का, वो भले ही मोहर इनकी लगती हो लेकिन वो लिस्ट बीजेपी ऑफिस से आती है। सर, ब्रजभूषण शरण सिंह पर FIR हो चुकी है, क्या आपकी पार्टी मांग करेगी उनकी गिरफ्तारी की, क्या एक्शन होना चाहिए या वो निर्दोष है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल देश के पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए, निष्पक्ष तक जाँच को न्याय मिले, क्या गिरफ्तारी भी होनी चाहिए उनकी जैसा कि मांग कर रहा है विपक्ष का? बिल्कुल जाँच होनी चाहिए, दोषी होंगे तो गिरफ्तार होने चाहिए। चलिए, तो ये थे धर्मेंद्र यादव जी जो कि सांसद हैं और इन्होंने साफ कहा कि एटा जनपद में ही नहीं पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी टक्कर में है और कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। इन्होंने साफ कहा पूरे प्रदेश में उत्पीड़न हो रहा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और ये समाजवादी पार्टी बीजेपी को निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश में परास्त करेगी। एटा से एबीपी गंगा के लिए राकेश भदौरिया की रिपोर्ट। We'll be right back.
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।